हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त संजय मंडल। और आज बसंत पंचमी है और आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और सरस्वती जी को हम विद्या की देवी के रूप में मानते हैं, तो वो हमें ज्ञान देती है और हम सब कामना करते हैं कि सबको अच्छा अच्छा ज्ञान मिले। तो चलिए, आज इस सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ अपने जो ज्ञान मुझे है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं उसमें हम व्हाट्सएप समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग ऑफिशियल वर्क के लिए भी यूज करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो कि हमें व्हाट्सएप पे मंगाया है, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, इन्फॉर्मेशन मैसेज है जो हमारे पास आया है और एक्सीडेंटली गलती से हमसे जो है वो डिलीट हो जाता है, तो हमें वो अफसोस होता है कि हम फिर से कैसे उसे रिकवर करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं, दो ऐसे तरीके जिससे आप जो है डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज को आप रिकवर कर सकते हैं। तो दो जो तरीका कौन सा है वो पहला मैं आपको बता दूं। पहला तरीका है जो कि है बैकअप के थ्रू, जो कि है गूगल ड्राइव पे। जैसे आप बैकअप रखते हैं तो आप गूगल ड्राइव पे बैकअप कर सकते हैं। आईफोन यूज करते हैं तो आपका आई क्लाउड में जो है उसका बैकअप बाय डिफॉल्ट जाता है। जैसे ही आपका कोई मैसेज जो है एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है तो आप उस फोन को ऑपरेट ना करें और जो है इसको क्या कर सकते हैं आप, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखा सकता हूं। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले आप जो है जैसे ही मैसेज डिलीट हो जाता है तो आप उसे ऑपरेट ना करें और जो है व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें। आप अनइंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जब आप वो नंबर, जिस नंबर से आपने व्हाट्सएप पहले यूज किया है जिसपे वो मैसेज डिलीट हुआ है, उस नंबर को डाल के ओटीपी आएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो आपको रीस्टोर चैट फ्रॉम बैकअप का ऑप्शन देगा। तो आप वहां पे अगर गूगल ड्राइव से किए हुए हैं तो गूगल ड्राइव का ऑप्शन चूज करिए, जो ईमेल आईडी आपने लॉगिन किया हुआ है, और वो वहां से जो है बैकअप आपको डाउनलोड करके दे देगा। आपका बैकअप वहां पे होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बैकअप अगर उस पे नहीं है तो आपका वो चैट रिकवर नहीं होगा। आईफोन में आई क्लाउड से रिकवर होता है। दूसरा तरीका जो है वो है आपका जो है लोकल बैकअप से। लोकल बैकअप मींस जो है एंड्रॉइड फोन अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने फाइल मैनेजर में जाइएगा, व्हाट्सएप में जाइएगा। व्हाट्सएप में जाने के बाद जो है वहां पे आपको एक व्हाट्सएप का जो फोल्डर मिल जाएगा उसके अंदर आप देखेंगे कि एक जो है मीडिया जो है डेटाबेस आपको मिल जाएगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि कैसा वो डेटाबेस है। वो ऐसा डेटाबेस आपको मिल जाएगा। आपको बस उस डेटाबेस का नाम चेंज कर देना है। नाम कैसे चेंज करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाम चेंज कर दे, उसके बाद जब आप व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल करेंगे तो वो जो है आपका बैकअप वहां पे वापस आ जाएगा। तो यही चीज है जो आप यूज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में, और काफी अच्छा आपका जो है चैट रिकवर हो जाता है। आपका जो भी मैसेजेस पहले का है जो डिलीट हो जाता है समटाइम्स गलती से, वो आपका रिकवर हो जाता है। तो अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी, आपका हेल्पफुल लगा, अभी जरूरत नहीं हो सकती है, कभी इन फ्यूचर जरूरत हो सकती है, तो वीडियो को अगर आप जो देखें आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दें। और आपको कोई असुविधा हो रही है और चैट बैकअप लेने में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो है आप अपना अगर नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।